वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मेरा नाम है प्रवीण। तो गाइस टाइटल पढ़ के आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए यह जानने के कि मैंने अपना ड्रोन कब, कहाँ और कैसे क्रैश किया। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यह मैविक मिनी ड्रोन कहाँ से और कैसे परचेस किया था। तो गाइस इसको जानने के लिए चलते हैं दिसंबर 2019 में। तो गाइस जस्ट 14 दिसंबर है, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था इस दिन का, आज मेरे को ड्रोन मिला है। तो गाइस मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रहा था यार मेरे पास भी ड्रोन होता, मैं भी सीखना चाहता था ड्रोन उड़ाना। तो गाइस मेरे को DJI मैविक मिनी ड्रोन मिला है, कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ था यह ड्रोन और इंडिया में अभी आई थिंक अवेलेबल नहीं है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को ड्रोन के साथ क्या क्या मिला है। गाइस यह है मेरा DJI मैविक मिनी और यह कम्बो के साथ आया है, और ये रहा मेरा ड्रोन, लाइट वेट ड्रोन, सील पैक्ड है बिल्कुल। तो कॉम्बो के साथ जो मेरे को मिला है ये 3 बैटरीज और कुछ एसेसरीज हैं इसके अंदर, और इसके अंदर प्रोपेलर के जो प्रोटेक्शन गार्ड होता है वो है। कैन सी, ये मेरा ड्रोन है और ये रिमोट है, ये बैटरी चार्जर है। तो चेक करता हूँ और इसको पहले समझता हूँ। मैंने यह ड्रोन मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है जो US में रहती है, वो दिसंबर में जब यहाँ पे आई थी इंडिया तो मैंने बोला था कि मेरे लिए एक ड्रोन लेकर के आना, तो उन्होंने मेरे को यह ड्रोन ला करके दिया था। तो गाइज उसके बाद मैंने 2-3 बार ही ड्रोन को फ्लाई किया है। लास्ट मैंने नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे इस ड्रोन को फ्लाई किया था। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में शो कर रहा होगा, आप जा करके देख सकते हो। गाइज बात है मार्च 2020 की, मेरे को सडन किसी काम से पटना जाना पड़ गया था। मैंने दिल्ली से पटना के लिए फ़्लाइट लिया, वहाँ से अपने भाई की बाइक ली और मैं अपना गांव पहुँचा। मेरा गांव पटना से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जिसका नाम है कारूबीघा। तो गाइस वहाँ पहुँच करके मेरे को बहुत बड़ा स्पेस मिला, कोई पुलिस का डर नहीं था, तो मैंने कुछ फुटेज लिया। उसके ऊपर मैंने गाँव के ऊपर एक छोटा सा ड्रोन का वीडियो बनाया, आप उसको देखो और इन्जॉय करो। और गाइस आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हो कि एक बिगिनर्स जो ड्रोन उड़ाना भी सीखा है वो ऐसा ही वीडियो बना सकता है, क्योंकि गाइस प्रोफेशनल्स के वीडियोस देख करके आपको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक वीडियोस इस मैविक मिनी ड्रोन से बना सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही करने में कुछ हुआ है जिसके बारे में मैं इस वीडियो के बाद बताता हूँ, तो आप इस वीडियो को इंजॉय करो। होप गाइस कि ड्रोन का फुटेज आपको अच्छा लगा होगा।
तो गाइज अब आते हैं मुद्दे पे, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ड्रोन कैसे क्रैश हुआ। तो गाइज वेरी नेक्स्ट डे मैं अपने पिताजी के साथ निकला गांव के जितने भी ज़मीन थे उसको देखने के लिए, और जहाँ जहाँ मेरे को अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे वहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा था। आगे चलता गया मैंने देखा कि यार इतने अच्छे व्यूज़ हैं, नीचे ग्रीन फॉर्म्स हैं, सामने पहाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े तार के पेड़ हैं। इसको देख करके मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आने शुरू हुए गाइस, मैंने सोचा मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अच्छा सा सिनेमेटिक वीडियोस बना सकता हूँ। और बड़े बड़े क्रिएटर्स का वीडियो जो मेरे माइंड में घूमना शुरू हुआ, उसके बाद मैं अनकंट्रोल हो गया और मैंने सोच लिया कि मेरे को तो आज बढ़िया सा शॉट लेना ही लेना है। तो सीन कुछ ऐसा था, सामने जो आप दो तार के पेड़ देख रहे हो गाइस, मैंने सोचा कि इसके बीच से ड्रोन को फ्लाई करके लाऊंगा और अपना वीडियो बनाऊंगा। बस क्या था, बस मैंने सोचा और बीच में खड़ा हो गया और ड्रोन को उड़ाया। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लो। ऐसे ही ड्रोन पीछे से आया, सबसे पहले तार के पत्तों से टकराया, पत्तों से टकराने के बाद पेड़ से टकराया, और पेड़ से टकराने के बाद फिर ज़मीन से टकराया, और गाइस ज़मीन से टकराने के बाद फिर से उड़ गया। और ये देखने के बाद जो मेरी ऐसी हालत हुई ना, आप सोच भी नहीं सकते हो यार, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था क्योंकि समझ सकते हो। उसके बाद मैंने ड्रोन को उतारा गाइस, उसके बाद मैंने देखा ड्रोन ठीक ठाक था, फ्लाई भी कर रहा था, और उसके बाद मैंने एक बार भगवान को बोला थैंक यू गॉड। और उसके बाद जो दूसरी बात निकली यार, कि सच में मैविक मिनी जो ड्रोन है ना बहुत ही मजबूत है। तो गाइस आपने मेरा ड्रोन क्रैश का वीडियो देख लिया, तो आई होप गाइस आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तो गाइस मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लास्ट 6 मंथ में मैंने एक्सपीरियंस किया है इस ड्रोन को फ्लाई करने में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आई होप कि ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाला है। अगर खास करके आपने नया मैविक मिनी ड्रोन परचेस किया है, आप नए नए पायलट बने हो इस ड्रोन के, तो गाइस ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। प॑इंट नंबर 1, अगर आप DJI मैविक मिनी के बिगनर पायलट हो, आपने जस्ट मैविक मिनी परचेस किया है, इससे पहले ड्रोन फ्लाई नहीं किया है, तो गाइस इस ड्रोन को आप प्रोपेलर के गार्ड के साथ फ्लाई करो, ये आपके ड्रोन को काफ़ी सेफ रखेगा। पॉइंट नंबर 2, मैविक मिनी में गाइस ऑब्स्टेकल सेंसर नहीं है, तो कृपया करके झाड़ियों और पेड़ों के बीच में ना उड़ाएं। नंबर 3, तो गाइस आप मेरे जैसा ही कुछ वीडियो बनाना चाहते हो, दो पेड़ों के बीच में आप इस ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हो, तो गाइस इसमें एक सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन होता है, उस मोड को आप इनेबल करके रखो, वैसा वो वाला मोड चूज़ कर लो, ताकि ड्रोन आपके कंट्रोल में रहेगा और आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, पिछले 6 महीने में जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस ड्रोन के साथ, मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं ड्रोन के साथ वो काफ़ी लॉस हो जाते हैं। आप जब फ्लाई करते रहोगे ड्रोन तो बीच बीच में कनेक्टिविटी चली जाएगी, और जब भी ऐसा होगा तो आपका जो ड्रोन है क्रैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, वो खो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ड्रोन कहाँ गया। तो खास करके माउंटेन्स में गाइस सिग्नल काफ़ी इसके वीक होते हैं, मैंने जब भी 500 मीटर से ऊपर भेजने की कोशिश की है माउंटेन्स में, तो मेरा सिग्नल जो है हमेशा मोबाइल से चला गया है। एक बार तो मेरा लॉस होते होते बचा। सबसे बड़ी बात कि गाइस मैविक मिनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी हल्की है, तो जैसे ही 500 मीटर से आप दूर भेजते हो ना तो आपको दिखाई नहीं देता है, जब आपको दिखाई नहीं देगा और ऊपर से सिग्नल जब चला जाएगा मोबाइल से, तो आपको कॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आई नो कि होम कंट्रोलर है, तो गाइस होम कंट्रोल होने के बावजूद भी चूंकि इसमें ऑब्स्टेकल सेंसर नहीं होता मैविक मिनी में, तो आप किसी अदर डायरेक्शन में अगर आपने इसको कॉल कर लिया, अगर बीच में पेड़ है, तो आपका क्रैश हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था गाइस, फिर फर्दर मैं जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा इस मैविक मिनी के साथ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं अपना यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं समझूँगा कि आपने मेरे को सपोर्ट किया, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप YouTube देखते रहो। धन्यवाद।